नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर बात होगी हरियाणा में बंपर वोटिंग की। और वहीं दूसरी बड़ी खबर में जेडीयू ने पीएम पद पर दावा ठोक दिया है, भाजपा बौखलाई है, इसको लेकर के भी खबर विस्तार से जानेंगे। और वहीं दोस्तों बात होगी यहां पर 8 अक्टूबर के चुनावी नतीजों से पहले, यहां पर भाजपा की बड़ी साजिश सामने निकल के आई है, बड़े खेल की तैयारी में चुनावी नतीजों में। एक एक करके दोस्तों हर अपडेट आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी दोस्तों यही मानते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी यहां पर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #WeSupportIndia जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों पढ़ते हैं, हरियाणा में वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज सभी 90 सीटों पर 20,000 से भी ज्यादा पोलिंग बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। दोस्तों बताते चले, सभी 90 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें 1027 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि 2 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि शाम 6 बजे तक यहां पर जारी रहेगा। ये यहां पर खबर आई है, सुबह से ही पोलिंग स्टेशनों पर जबरदस्त यहां पर भीड़ नजर आ रही है, और भाजपा का सफाया करने के लिए अब हरियाणा की जनता जबरदस्त तरीके से तैयारी कर ली है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनावी नतीजा जारी होगा। इस बीच भाजपा की बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है चुनावी नतीजों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में बेईमानी करने की योजना बना रही है। भाजपा की कठपुतली उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 विधायकों को मनोनीत करने जा रहे हैं। इन 5 विधायकों को 90 निर्वाचित विधायकों के समान ही अधिकार होंगे। जम्मू कश्मीर सरकार गठन को प्रभावित करने के लिए बीजेपी इन कठपुतलियों का इस्तेमाल यहां पर करेगी। क्या यह लोकतंत्र का गला घोटना नहीं है? काउंटिंग से पहले बीजेपी जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश रच रही है। चुनावी तौर पर एलजी से 5 विधायकों को मनोनीत कराना चाहती है भाजपा। बताते चले कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 मनोनीत सदस्यों सहित 95 सदस्य हो जाएंगे, जिससे बहुमत की सीमा बढ़कर के 48 सीट की हो जाएगी। यही खेल भाजपा करने की तैयारी में नजर आ रही है। दोस्तों ये यहां पर देख सकते हैं कि भाजपा वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद भी साम दाम दंड भेद हर चीज का यहां पर इस्तेमाल कर रही है, कैसे भी करके भाजपा सरकार चाहती है। ये यहां पर खबर आई है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बड़ी खबर आ रही है हरियाणा चुनाव में वोटिंग के बीच। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण महापंचायत ने यहां पर ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी को सभी लोग वोट करें हरियाणा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण कमेटी ने यहां पर ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ही सभी लोग यहां पर अपना बहुमूल्य वोट दें, भाजपा के खिलाफ में मतदान करें। ये यहां पर बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है राहुल गांधी का, वो भी पोलिंग डे के दिन। ये यहां पर दोस्तों मतदान के दिन में कांग्रेस पार्टी को एक और जबरदस्त खबर सामने निकल के आई है कांग्रेस पार्टी के लिए। दरअसल दोस्तों बताते चलें कि ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समस्त ब्राह्मण समाज से कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के यहां पर बात कही है, और कहा है कि कांग्रेस ही 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को ही वोट करें, भाजपा के खिलाफ में मतदान करें। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू ने दूसरी तरफ नींद उड़ा दी है केंद्र सरकार की। एनडीए में तनातनी, जेडीयू ने पीएम पद पर दावा ठोक दिया है। जेडीयू बोली, केंद्र की सत्ता की चाबी हमारे पास में है, बीजेपी भड़की। आप लोगों को बताते चले, बिहार में एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बयान
यहां पर ऐसे निकल के आ रहे हैं जिससे साफ तौर पर एनडीए में कलह देखने को मिल रही है। और वहीं इस बीच आप लोगों को यहां पर बताते चलें, खबर सामने निकल के आ रही है एक सवाल पर कि नीतीश कुमार करीब 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, वे केंद्र में मंत्री रहे, आगे क्या कुछ करेंगे। इस पर जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, विरोधी दल भी नीतीश कुमार को पीएम बनाने में समर्थन करेंगे, कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करेगी, विपक्ष भी चाहता है कि वह पीएम बने, अगर नीतीश का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जाए तो सभी दलों का समर्थन मिलेगा। ये यहां पर जेडीयू कोटे के मंत्री का बयान आया। फिर क्या था, भाजपा बौखला गई दोस्तों, भाजपा पूरी तरह से बिलबिला गई है इस बयान को सुनकर के, उसकी नींद उड़ गई है क्योंकि नीतीश कुमार के सांसदों का समर्थन इस समय भाजपा को है केंद्र में और उनकी बदौलत ही यहां पर सरकार भी टिकी हुई है केंद्र में। और देख सकते हैं कि जेडीयू कोटे के मंत्री ने पीएम पद पर ही दावा ठोक दिया है और साफ तौर पर कहा है कि हमारा इंडिया गठबंधन भी समर्थन करेगा, कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करेगी। दोस्तों बताते चले, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को पीएम बनने का ऑफर दिया था, लेकिन तब उन्होंने कहा जा रहा है कि उस ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन अब उनकी महत्वाकांक्षाएं एक बार फिर से जाग रही है और उनकी अब नजर पीएम पद पर भी बताई जा रही है। हाल ही में नीतीश कुमार ने दिल्ली का दौरा भी किया था, वहां उन्होंने किससे मुलाकात की किसी को कुछ भी पता नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार एक बड़े खेल की तैयारी में नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी और अमित शाह की नींद उड़ सकती है, आरएसएस ने ले लिया ऐसा जबरदस्त फैसला, संजय जोशी हो सकते हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, बढ़ाई गई है सुरक्षा, पीएम मोदी और अमित शाह लगातार कर रहे थे उनका विरोध, लेकिन आरएसएस के आगे एक भी नहीं चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव संजय जोशी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक संजय जोशी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, इसके साथ ही पार्टी के मंत्रियों से मिलना जुलना भी शुरू हो गया है। दोस्तों भाजपा की वर्तमान राजनीति में यह नाम निश्चित ही चौंकाने वाला है, आप लोगों को बताते चले। यहाँ पर ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि वर्तमान भाजपा में जिन नेताओं का दबदबा है, जोशी की उनके साथ में बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती है, इसीलिए यहाँ पर ये पीएम मोदी और अमित शाह के लिए आरएसएस की तरफ से एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब यहाँ पर बीजेपी पर पूरा कंट्रोल आरएसएस के ही हाथों में होगा, ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि चौंकाने वाली खबर आई है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को एक और अपडेट यहाँ पर बताते चले, मोदी सरकार में मंत्री ने जबरदस्त बगावत कर दी है, हर दिन बगावत के मामले सामने आने से एनडीए कमजोर होता जा रहा है। अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रस्तावित जाति जनगणना की मांग की है, सरकार बीजेपी के सिस्टम कांग्रेस का नजर आ रहा है। दोस्तों देख सकते हैं कि इस समय की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों, जो हमने आप तक पहुंचाया इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।